नमस्कार। नेशनल साइंस डे पर हो रहे आज के बजट वेबिनार का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21वीं सदी का बदलता हुआ भारत अपने नागरिकों को टेक्नोलॉजी की ताकत से लगातार नागरिकों को एम्पावर कर रहा है। बीते वर्षों में हमारी सरकार के हर बजट में टेक्नोलॉजी की मदद से देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस बार के बजट में भी टेक्नोलॉजी, लेकिन साथ साथ ह्यूमन टच को प्राथमिकता, ये हमारा प्रयास हुआ रहा है। साथियों, एक जमाना था जब हमारे देश में सरकार की प्राथमिकताओं में बहुत ज्यादा विरोधाभास नजर आता था। समाज का एक वर्ग ऐसा था जो चाहता था कि उनके जीवन में हर कदम पर सरकार का कोई न कोई इंटरवेंशन हो, सरकार का प्रभाव हो, यानी सरकार उनके लिए कुछ न कुछ करे। लेकिन पहले की सरकारों के समय इस वर्ग ने हमेशा अभाव ही महसूस किया, अभाव में जिंदगी जूझने में ही निकल जाती थी। समाज में ऐसे लोगों का भी वर्ग था, ये दूसरे प्रकार का था, जो स्वयं के सामर्थ्य से आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन पहले की सरकारों के समय ये वर्ग भी हमेशा दबाव, सरकारी दखल, भांति भांति की रुकावटें डगर डगर पर महसूस करता रहा। हमारी सरकार के बीते कुछ वर्षों के प्रयासों से अब यह स्थिति बदलने लगी है। आज सरकार की नीतियां और निर्णयों का सकारात्मक प्रभाव हर उस जगह देखने को लगा है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा प्रयास हर गरीब और वंचित के जीवन को आसान बना रहा है, उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। लोगों के जीवन में सरकार का दखल और दबाव भी कम हो रहा है। आज लोग सरकार को रास्ते की रुकावट नहीं मानते हैं, बल्कि लोग हमारी सरकार को नए अवसरों के कैटालिस्ट के तौर पर देखते हैं। और निश्चित तौर पर इसमें टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आप देखिए, टेक्नोलॉजी वन नेशन वन राशन कार्ड का आधार बनी और इससे करोड़ों गरीबों को पारदर्शिता से राशन मिलना सुनिश्चित हुआ। और दूसरे, जो प्रवासी मजदूर होते हैं, जो माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बन गया। टेक्नोलॉजी जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, इन तीनों के कारण करोड़ों गरीबों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजना संभव हुआ। उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी आरोग्य सेतु और कोविन ऐप उसका एक महत्वपूर्ण साधन बनी और इससे कोरोना के दौरान ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन में बड़ी मदद मिली। हम देखते हैं आज टेक्नोलॉजी ने रेलवे रिजर्वेशन को और आधुनिक बनाया और सामान्य से सामान्य मानवी को
कोई इसमें कितना बड़ा सिरदर्द दूध हो गया। कॉमन सर्विस सेंटर का नेटवर्क भी गरीब से गरीब व्यक्ति को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकारी सेवाओं के बड़ी आसानी से जोड़ रहा है। ऐसे अनेक फैसले लेकर हमारी सरकार ने देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाई है। साथियों, आज भारत का हर नागरिक इस बदलाव को स्पष्ट तौर पर महसूस कर रहा है कि अब सरकार के साथ संवाद करना कितना आसान हो गया है। यानी सरकार तक देशवासी आसानी से अपनी बात पहुंचा रहे हैं और उसका समाधान भी उन्हें तुरंत मिल रहा है। जैसे टैक्स से संबंधित शिकायतें पहले बहुत ज्यादा होती थी और इससे और उसके कारण उसके माध्यम से टैक्स पेयर्स को कई तरीके से परेशान किया जाता था। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी की मदद से टैक्स की पूरी प्रक्रिया को फेसलेस कर दिया। अब आपकी शिकायतों और उसके निपटारे के बीच कोई व्यक्ति नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी है। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, लेकिन दूसरे विभागों में भी टेक्नोलॉजी की मदद से हम ज्यादा बेहतर तरीके से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अलग अलग विभाग अपनी सेवाओं को ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाने के लिए मिलकर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए हम उन क्षेत्रों की भी पहचान कर सकते हैं जहां सरकार से संवाद को और आसान बनाया जा सकता है। साथियों, आप जानते हैं कि हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। इस ट्रेनिंग कोर्स को अपडेट करते रहने की जरूरत है, लेकिन इसका बेहतर परिणाम तभी मिलेगा जब इसमें बदलाव लोगों के फीडबैक के आधार पर हो। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहें। साथियों, टेक्नोलॉजी हर किसी तक सही और सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाकर सबको आगे बढ़ने का समान अवसर दे रही है। हमारी सरकार टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही है। हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आज जेम पोर्टल जेम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके। ई नाम ने किसानों को अलग अलग जगहों के खरीदारों से जुड़ने का अवसर दिया है। अब किसान एक ही जगह रहते हुए अपनी उपज का सबसे अच्छा मूल्य पा सकते हैं। साथियों, आजकल 5G और AI की चर्चा तो काफी दिनों से हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री, मेडिसिन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और तमाम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। लेकिन अब हमें अपने लिए कुछ विशेष लक्ष्य तय करने होंगे। वो कौन से तरीके हैं जिससे इस टेक्नोलॉजी का उपयोग
सामान्य मानवी की बेहतरी के लिए किया जा सकता है? वो कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? क्या हम समाज की 10 ऐसी समस्याओं की पहचान कर सकते हैं जिनका समाधान एआई के माध्यम से हो सकता है? जब हम हैकेथॉन करते हैं, देश के नौजवानों के सामने टेक्नोलॉजी के द्वारा सॉल्यूशन की बात करते हैं और लाखों नौजवान जुड़ते हैं और बहुत अच्छे सॉल्यूशन देते हैं। साथियों, टेक्नोलॉजी की मदद से हम हर व्यक्ति के लिए डिजी लॉकर की सुविधा लेकर आए हैं। अब डिजी लॉकर फॉर एंटिटीज की सुविधा है। यहां कंपनियां, एमएसएमई अपनी फाइलों को स्टोर कर सकते हैं और उसे विभिन्न रेगुलेटर्स और सरकारी विभागों के साथ साझा कर सकते हैं। डिजी लॉकर के कंसेप्ट को और विस्तार देने की जरूरत है। हमें देखना होगा कि और किस तरीके से लोगों तक इसका फायदा पहुंचाया जा सकता है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हमने एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस बात पर मंथन की जरूरत है कि भारत के लघु उद्योगों को बड़ी कंपनी बनने में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। हम छोटे व्यवसायों और छोटे उद्योगों के लिए कंप्लायंस कॉस्ट को कम करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि बिजनेस में कहा जाता है कि टाइम इज मनी, इसलिए कंप्लायंस में लगने वाले समय की बचत का मतलब है कंप्लायंस कॉस्ट की बचत। अगर आप अनावश्यक कंप्लायंसेस की लिस्ट बनाना चाहते हैं तो यही सही समय है, क्योंकि हम पहले ही 40,000 कंप्लायंसेस खत्म कर चुके हैं। साथियों, सरकार और लोगों के बीच विश्वास की कमी गुलामी की मानसिकता का परिणाम है, लेकिन आज छोटी गलतियों को डीक्रिमिनलाइज करके और एमएसएमई लोन के गारंटर के तौर पर सरकार ने लोगों का भरोसा जीता है। लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें यह भी देखना होगा कि दुनिया के दूसरे देशों में समाज के साथ विश्वास मजबूत करने के क्या किया गया है। हम उनसे सीखकर अपने देश में भी वैसे प्रयास कर सकते हैं। साथियों, बजट या किसी सरकारी पॉलिसी की सफलता कुछ हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितने अच्छे तरीके से तैयार किया गया है, लेकिन इससे ज्यादा उसे लागू करने का तरीका महत्वपूर्ण होता है। इसमें लोगों का सहयोग बहुत अहम है। मुझे विश्वास है कि आप सभी स्टेक होल्डर्स के इनपुट से ईज ऑफ लिविंग को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम ये कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, ये हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और उसमें टेक्नोलॉजी बहुत मदद कर सकती है। हम टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोडक्शन में बहुत बारीकियों तक बहुत ही फिनिश वे में प्रोडक्ट लेकर के आ सकते हैं और तभी ग्लोबल मार्केट हम कैप्चर कर सकते हैं। हमने इस बात को स्वीकार करना होगा कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। जीवन में टेक्नोलॉजी का प्रभाव बहुत बढ़ने वाला है। हम सिर्फ अपने आप को इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी तक सीमित न रखें। उसी प्रकार से जैसे
आज ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क गांव गांव पहुंच रहा है, पंचायत तक पहुंचेगा, वेलनेस सेंटर पहुंचेगा, टेलीमेडिसिन चलेगी, इवन हेल्थ सेक्टर भी पूरी तरह टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रहा है। आज देश बहुत बड़ी मात्रा में, जैसे डिफेंस में हम बहुत कुछ आयात करते हैं, हम हेल्थ में भी बहुत कुछ आयात करते हैं। क्या मेरे देश के उद्योग जगत के लोग टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करके उस दिशा में नहीं जा सकते हैं? और इसलिए अब जैसे ऑप्टिकल फाइबर गांव गांव पहुंच रहा है, जब तक प्राइवेट पार्टी सेवाएं लेने के लिए नहीं आती है, नए नए सॉफ्टवेयर लेकर के नहीं आते हैं, सामान्य नागरिक उस ऑप्टिकल फाइबर से अब क्या सेवाएं ले सकता है, क्या फायदा उठा सकता है, उसके मॉडल को हम डेवलप कर सकते हैं। और हम सब कुछ में जन भागीदारी चाहते हैं, सरकार को ही सब ज्ञान है, ये न हमारी सोच है न हमारा दावा है। और इसलिए आप सभी स्टेक होल्डर से मेरा बहुत आग्रह है कि आप 21वीं सदी जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन सदी है, उसको हम जितना जल्दी फैलाएं, जितना जल्दी सरल बनाएं, जितना जल्दी जन सामान्य को एम्पावर करने वाला बनाएं, उतना देश का भी लोगों का भी कल्याण होने वाला है। और 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में टेक्नोलॉजी हमें बहुत बड़ी ताकत देती है। और हम भाग्यवान हैं कि भारत के पास नेचुरल गिफ्ट है, हमारे पास टैलेंटेड यूथ है, स्किल मैन पावर है, और भारत के गांव के लोगों को भी टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन की कैपेबिलिटी बहुत बड़ी है। हम कैसे इसका फायदा उठाएं, मैं चाहता हूं कि आप लोग विस्तार से इसकी चर्चा करें, बारीकियों से चर्चा करें, और जो बजट आया है उसका उत्तम से उत्तम आउटकम कैसे हो, उसका उत्तम से उत्तम लाभ लोगों तक कैसे पहुंचे, इस पर आपकी चर्चा जितनी गहन होगी, ये बजट सार्थक होगा। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।